तो दोस्तों, आखिरकार हैमस्टर कॉम्बैट लॉन्च होने जा रहा है और बाईबिट पर। तो ये खबर आ चुकी है बाईबिट की तरफ से, इसकी प्री मार्केट ओपन हो चुकी है। प्री मार्केट में आप भाग ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो लोग नए हैं उनको सिखाने की ज़रूरत है, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है प्री मार्केट क्या होती है। सबसे पहले आपको इसका प्राइस दिखाता हूँ जो प्री मार्केट में चल रहा है। एक कॉइन का प्राइस, अभी इन्होंने रेशियो नहीं बताई है कि आपके टोकन किस रेशियो में कन्वर्ट होते हैं। तो जो भी है, कॉइन का प्राइस ये है 0.1 USDT मिनिमम रहता है ये, और हाईएस्ट बिट लगा रखी है यहाँ पर 350 USDT की। फ्लोर प्राइस है 0.001। तो एक कॉइन का प्राइस ये रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। इन्होंने रेशियो नहीं बताई है कि अपने टोकन को किस रेशियो में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे और आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो लेकिन ये तो रही बात प्री मार्केट की, कि प्री मार्केट क्या होती है, हम इससे कैसे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगा मैं कि प्री मार्केट का क्या हिसाब रहता है। प्री मार्केट एक तुक्का होता है, एक तरह से अंदाज़ा होता है जो दो लोगों के बीच में लगाया जाता है। तो पार्टी ए नाम दे देता हूँ मैं। पार्टी ए को ये लगता है कि इसका प्राइस जितना रहेगा, और पार्टी बी जो होती है उसको भी लगता है कि हाँ शायद इसका प्राइस इसके बीच में रहेगा। तो जो पार्टी ए रहती है उसका प्राइस लगा देती है, और पार्टी बी, जैसे हम लोग हम उसको सेल करने जाते हैं या बाय करते हैं, और उधर से भी बाइंग सेलिंग चलती है। तो एक प्राइस होता है निश्चित, जैसे यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने 0.178 USDT एक कॉइन का प्राइस। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि इससे प्राइस जो है लिस्टिंग के दौरान, जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, हो सकता है ऊपर जाए। तो जिन लोगों को लगता है तो वो तो यहाँ पर बाय कर लेते हैं, और जिनको लगता है कि इसका प्राइस इससे नीचे जाएगा लिस्टिंग के बाद, तो यहाँ पर वो सेल कर देते हैं। तो ऐसे प्री लिस्टिंग काम करती है, एक तरह का अंदाज़ा होता है ये, कि जिन लोगों को लगेगा कि इसका प्राइस इससे जो है ऊपर जाएगा तो वहाँ पे इसका ये जो है बाय कर लेंगे, और जिनको लगेगा कि इसका प्राइस इससे नीचे जाएगा वो सेल कर देंगे। तो एक तरह का तुक्का होता है ये फाइनल प्राइस नहीं होता। फाइनल प्राइस होता है लिस्टिंग का, जब इसकी लिस्टिंग हो जाती है। तो आज तक मैंने भी यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करी है, ना बाय करा है ना सेल करा है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि एक तरह का तुक्का होता है, हमारा लॉस भी हो सकता है। जैसे ब्लास्ट का यहाँ पर प्री मार्केट चली थी, तो काफ़ी लोगों को लगा था इसका प्राइस ऊपर जाएगा, बाय कर लिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हो गया। तो एक तरह का तुक्का ही होता है, तो आपको नुकसान तो होगा ही होगा। प्री लिस्टिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फाइनल प्राइस नहीं होता जो दिखा रहा है ये। तो 0.176 USDT इसका फाइनल प्राइस नहीं है, लिस्टिंग के बाद पता चलेगा इसका हकीकत में प्राइस कितना है। अगर आपके पास ये न्यूज आई है प्री लिस्टिंग चल रही है इसकी, तो हकीकत में है, लेकिन जो प्राइस है वो आप सच मत मानना। प्राइस इसका निश्चित होगा प्री लिस्टिंग ख़त्म होने के बाद, जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो यही था कुछ प्री लिस्टिंग के बारे में आप लोगों को समझाना। आपको पता नहीं होगा शायद प्री लिस्टिंग के बारे में, पहली बार होगा, हो सकता है जो लोग नए हो उनके लिए पहली बार हो। तो आपको मैंने बता दिया प्री लिस्टिंग क्या होती है। अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो हो सकता है बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो जा सके, शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।